कांकेर में रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। ये लोग जिला मुख्यालय के कलेक्टर रोड पर पांडाल लगाकर बेमियादी हड़ताल पर डटे हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव और कृषि सभापति जिला पंचायत नरोत्तम पहोड़ी और जिला पंचायत सदस्य मीना नवली मंडावी ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन का ऐलान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव ने कहा कि वो मांगों से पंचायत सचिव को अवगत कराएंगे। बता दें कि ग्राम सचिव और रोजगार सहायक एक सूत्रीय मांग 2 साल की परीक्षा के बाद शासकीयकरण को लेकर लामबंद है। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला हमारा वेतनमान निर्धारण का न्यूनतीकरण किया जाना है, और इसमें से मैं ये कहना चाहूँगा जो अंतिम व्यक्ति है, जॉब कार्डधारी है, जो पंजीकृत परिवार है, जो मजदूर है, उनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। सरकार को पड़े न पड़े, मजदूर को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम कोरोना काल में ही मजदूर को काम दिए थे। वो काम करके ही अब जो किसान है वो अपने खेतों में धान बो चुका है। हम पूरे भारत भर के जो आर्थिक स्थिति है मनरेगा के माध्यम से हो रही है, क्योंकि आदमी काम करेगा उसके जेब में पॉकेट में पैसा आएगा, तब तो हमारे देश की आर्थिक विकास होगी। मैं चूंकि एक सत्ता पक्ष से भी हूँ, जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, तो मैं आज हमारे जितने भी ग्राम पंचायत के सचिव हैं, रोजगार सहायक, उनकी बातों को यहाँ, उनकी जो समस्या है उनको आज यहाँ पर सुनने के लिए आया था, और एक आश्वासन यहाँ पर दे के जा रहा हूँ कि इनकी बातों को हम अपने आगे हमारे जो नेता हैं, जो पंचायत मंत्री हैं, उनके समक्ष रखेंगे, ताकि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें।